तो स्टूडेंट्स, अपने जाफा नेटबीन सीरीज के आज दूसरे वीडियो में आज हम इस लैब एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है, डिजाइन ए जीयूआई एप्लीकेशन टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर इन ए टेक्स्ट फील्ड एंड प्रिंट द रिजल्ट यूजिंग ए ऑप्शन पेन, वेदर इट इज ए इवन और ऑड। तो पॉजिटिव इवन और नॉट, मतलब पॉजिटिव नंबर है कि नहीं चेक करना है, फिर वो भी चेक करना है कि इवन है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा यूजर इंटरफेस है और मैं इसको अभी टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसका कोडिंग क्या है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पहले इसको टेस्ट करते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक एंटर किया इंटीजर 10 और सबमिट किया, और ऑप्शन पेन आपके सामने दिखाया जा रहा है जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें इट इज एन इवन नंबर बता रहा है। फिर मैंने ओके दबाया, इसको मैंने कर दिया फिर नेगेटिव नंबर, सबमिट किया तो ये दिखा रहा है मैसेज, नीचे जो टेक्स्ट एरिया है, काइंडली एंटर एनी पॉजिटिव नंबर टू प्रोसीड। फिर मैंने रिसेट किया, फिर एक ऑड नंबर की कोशिश करूंगा चेक करने के लिए, और ये देखिए यहाँ ये भी दिखा रहा है कि इट इज एन ऑड नंबर। तो मोटा मोटी यही है हमारा कोड जो टास्क। अभी ये तो यूजर इंटरफेस की, अगर आप चाहते हैं देखना कि ये यूजर इंटरफेस, सुंदर सा यूजर इंटरफेस कैसे डिजाइन किया जाता है, देन आप मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि कैसे इसी जो लेबल है या टेक्स्ट फील्ड है या बटन है, टेक्स्ट एरिया है, इन सबको कैसे डिजाइन किया जाता है, फिर इनके ऊपर वेरिएबल नेम कैसे चढ़ाया जाता है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। आज हम डायरेक्टली प्रोसीड करना चाहेंगे जो इसका कोडिंग पार्ट है। सबमिट बटन पे मैंने क्या कोड लिखा है देखते हैं। चलिए, डबल क्लिक किया और यहां देखते हैं। यहां देखिए, मैंने सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहां सिर्फ एक इंटीजर क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहां देख सकते हैं सिर्फ एक इंटीजर ही हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से इस जगह पे, तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया और उसमें इंटीजर डॉट पार्सेंट फंक्शन यूज करके फिर TF1 डॉट गेट टेक्स्ट करके हमने इनपुट ले लिया। ये जो TF1 है, मैं फिर से बता देना चाहूंगा, टेक्स्ट फील्ड जो है उसका मैंने वेरिएबल नेम दिया है TF1, इसीलिए मैंने वहां लिखा है TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड में मैं जो नंबर रिसीव कर रहा हूँ उसको मैंने एन में स्टोर कर दिया। अभी फिर मैं इस एन को चेक करूंगा कि ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, क्योंकि हम यहां टेस्ट करना चाहते हैं पहले कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, अगर पॉजिटिव है देन इवन है या ऑड है वो टेस्ट करना। तो सबसे पहले मैंने एक बाहर एक इफ स्टेटमेंट यूज किया, उसमें कंडीशन लगा दिया एन ग्रेटर देन 0, अगर ये ट्रू इवेलुएट हुआ तो हम दूसरा इफ स्टेटमेंट जो अंदर लिखा है उसमें ये चेक करने जा रहे हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो बाहर वाला अभी मैं आपको एक टेस्ट करके दिखा देना चाहता हूं, जिससे और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ये देखिए, मैंने ये जो एप्लीकेशन, यहां पे मैंने मान लीजिए 10 एंटर किया, एन में गया 10, एन ग्रेटर देन 0 ये ट्रू हो गया ऊपर वाला ये जो है। अब ये ट्रू हुआ तो दूसरे इफ में आके चेक करेगा, ये दूसरे इफ में क्या चेक करेगा ना, ये जो 10 है इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यहां मैंने दो ऑपरेटर यूज किया है, देखिए एक मॉडुलर डिवीजन जो परसेंटाइल की तरह साइन दिखाया जा रहा आपको, ये जो मॉडुलर डिवीजन है, ये जो परसेंटाइल टाइप का साइन दिखा रहा है, ये मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर है और ये इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो इन दोनों का काम मैं बताता हूं, पहले इसका बताता हूं। मॉडुलर डिवीजन क्या करता है, वो जो नंबर मैंने यहां एंटर किया है 10, वो उसको 2 से डिवाइड करेगा, फिर वो रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा। किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसको कहते हैं इवन नंबर है। तो अभी 10 एंटर किया है तो 10/2 करके यहां से इस पार्ट में 0 आएगा। और यहां अभी बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर की, ये जो डबल इक्वल टू लिखा है मैंने, आप नॉर्मली जो कोडिंग नहीं जानते तो उनके लिए ये डबल इक्वल टू है। डबल इक्वल टू का मतलब है यहां पे के इक्वलिटी ऑपरेटर, ये क्या चेक करता है, इसके दोनों तरफ 0 है, मतलब दोनों तरफ जो वैल्यूज लिखा है, इसके राइट साइड में मैंने 0 लिखा है और लेफ्ट साइड में जो इवेलुएट होके अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया, अभी जैसे मैंने यहाँ 10 डाला है तो 10/2 करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो दोनों तरफ अगर 0 आ गया तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा।
इफ कंडीशन यहां पे अगर ट्रू हो गया तो हम जे ऑप्शन पेन में एक मैसेज दिखाएंगे कि इट इज एन इवन नंबर। अब अगर आपको जे ऑप्शन पेन के बारे में नहीं बताया तो 2 मिनट उसके बारे में भी बता देते हैं आपको। मैं आपके बुक्स के माध्यम से आपको बता देता हूं। यहां सर्च बार में गया फाइंड में और यहां टाइप करता हूं जे ऑप्शन OPTION। देखिए टाइप करते ही आ गया, ये आपके ही चैप्टर में दिया है बुक में। देखिए ये क्यों यूज होता है ना, व्हेन वी वांट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर इस केस में हम चाहते हैं जे ऑप्शन पेन, और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पेन। ये अपने आप से नहीं आएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये अपने आप से नहीं आएगा। मैंने अपने कोड में इसको डाला हुआ है बाकायदा। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर गया मैं स्क्रॉल करके, अब ये यहां देखिए, यहां मैंने लिखा है इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे ऑप्शन पेन, लास्ट में सेमीकोलन। ये सबसे ऊपर जाके आपको लिखना है, मैं बता दे रहा हूं फिर से, इस लाइन को आपको अपने कोडिंग के पार्ट में सबसे ऊपर जाके लिखना है, फिर जाके आप लिखेंगे तब ये जो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग तब काम करेगा। और ध्यान देने वाली बात एक और भी है, यहां देखिए स्पेलिंग इसकी, जे ओ यहां कैपिटल रहेगा, पेन का पी कैपिटल रहेगा। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, अगर यहां ध्यान नहीं देंगे आप तो गलती करेंगे, आप गलती होगी और बार बार गलती होगी आपसे, एरर ढूंढते रहेंगे, आपको पता नहीं चलता रहेगा। यहां भी देखिए वही चीज, जे ऑप्शन पेन में जहां जहां कैपिटल बोला था, शो मैसेज डायलॉग में एम वाला चीज कैपिटल है, डायलॉग का डी कैपिटल है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं मगर ध्यान देने योग्य है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और बाद में जो मैसेज आप दिखाना चाहते हैं, दिस इज एन इट इज एन ऑड इवन नंबर, ये आपने दिखा दिया। फिर बात करते हैं इफ पार्ट, तो मैंने खत्म कर लिया, अब एल्स पार्ट में कब जाएंगे। एल्स पार्ट में तब जाएंगे जब ये ट्रू नहीं होगा, ये जब फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट में आप उसका कोड लिख दीजिए। जैसे मैं कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो आइदर रिमाइंडर 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो डेफिनेटली 1 आ रहा है और वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाला मैसेज को आप एल्स पार्ट में डाल दीजिए, ऐसे ही बड़ा सिंपल है। फिर बात करते हैं ये लास्ट में जो एल्स लिखा है मैंने, ये किसका एल्स है, ये इस ऊपर वाले मास्टर इफ का एल्स है। ये जो टोटल कोड है इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने टेस्ट किया पॉजिटिव है या नहीं, अगर पॉजिटिव है तो मैंने इवन ऑड का यहां टेस्ट किया, अगर पॉजिटिव नहीं है तब हम इस वाले एल्स में आ जाएंगे। यहां मैंने टेक्स्ट एरिया का यूज किया है टू शो के आप काइंडली एक पॉजिटिव नंबर एंटर कीजिए, तभी हम आपको इवन है या ऑड है आपको दिखा पाएंगे रिजल्ट, इसीलिए ये वाला लास्ट वाला एल्स हम कर रहे हैं। और लास्ट में जाते आते ये वाला जो टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया को ब्लैंक करने वाला जो रीसेट बटन का कोड है, मैं आपको रीसेट दिखा देता हूं। ये जो रीसेट बटन है ना, यहां दबाते ही ये ब्लैंक हो जाता है। देखिए मैंने जैसे ही मान लीजिए -4 एंटर किया, सबमिट किया, तो यहां आ रहा है ये टेक्स्ट एरिया मैसेज के पॉजिटिव नंबर एंटर कीजिए। अब टेक्स्ट फील्ड में भी कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट एरिया में भी कुछ लिखा हुआ है, दोनों को ब्लैंक करना है तो रीसेट बटन प्रेस करता हूं, दोनों ब्लैंक हो जाता है। क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने सेट टेक्स्ट मेथड में ब्लैंक स्ट्रिंग एक डाल दिया है दोनों में, इसीलिए दोनों ब्लैंक हो जाते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो ये था ओवरऑल कोड। लास्ट में जाते आते एक टेस्ट दोबारा कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। एक दूसरा नंबर डालता हूं, जैसे 17 डालता हूं, सबमिट किया, इट इज एन ऑड नंबर आया, ओके। फिर मान लीजिए एक इवन नंबर डालने की कोशिश करता हूँ, 40, सबमिट किया, इट इज एन इवन नंबर, ओके। फिर मैं -15 डालता हूँ, फिर सबमिट किया, काइंडली एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, प्रोसीड। तो पूरा पूरी ठीक ठाक काम कर रहा है मेरा कोड। आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने कोड समझाया पूरा समझ आ गया होगा। कोई पार्ट में डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई, डाल दीजिए अपने प्रश्न, और आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। और आज का वीडियो तो यहीं खत्म हो गया, अगले वीडियो में हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं इसको समझाऊंगा, जिसमें कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको एंटर करना है
और बताना है क्या कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, ये चीज मैं अगले वीडियो में विद इन 1 और 2 डेज डालने वाला हूँ। बने रहिए मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।